गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट लेकर आया है आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर। आज के लेसन में हम आपको बताएंगे, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि इस लेसन को अगर आपने कर लिया है, ये आपका थर्ड लेसन है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको अच्छा तरीके समझ में आ गया होगा, और इसके बाद मैंने एक्सेल भी आपको अच्छा तरीके समझाया है, उसको भी आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही तीसरे लेसन में, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हम अपडेट करते हैं, चलिए आज मैं आपको बताते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, खोलना तो सभी को आता ही होगा। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ से तो किसी ने हटा दिया है, तो हम कृपया करके यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, अगर यहाँ ना दिखे तो आपको इस लिस्ट में भी दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जितना प्रोग्राम उसको हम रनिंग में वर्क करते रहते हैं तो यहाँ मिल जाता है। अगर ना भी मिले हमें तो हमें यहाँ पावर पॉइंट डाल देना, PO। जैसे हमने थोड़ा सा डाला है तो दोस्तों इतना अच्छा हेल्प आ जाता है कंप्यूटर में कि एक सेकेंड में हमारे सामने आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। इस पर हम क्लिक करेंगे। आज के लेसन में हम पावर पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और जैसे सबसे पहले हम ऑफिस बटन के बारे में जानते हैं। और ये ऑफिस बटन होता है, और ये हमारा क्विक एक्सिट टूल बार होता है, और ये टाइटल बार होता है, जिससे हमें पता लगता है कि हम क्या चला रहे हैं, किस नाम से फाइल को सेव किए हैं। और ये हमारा मिनिमाइज बटन है, जिसका हम प्रयोग करके छिपा सकते हैं फाइल को। ये हमारा रिस्टोर बटन है, इसका प्रयोग करके हम अपने पेज को छोटा, जैसे हमने भी ये छोटा कर लिया है, इसी को फाइल को बड़ा कर लिया है, यानी रिस्टोर और मैक्सिमाइज। एक क्लोज बटन है, इसके द्वारा हम पूरी तरह से यानी एग्जिट का प्रयोग यानी कि पूरा काट सकते हैं। ये हमारा होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, बहुत सारे टैब दिए हैं, जिनका कहना चाहूँगा 7 टैब ही होते हैं पावर पॉइंट में। ऑफिस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में 7 ही टैब होते हैं, 7-7 होते हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, केवल 7 ही टैब पाए जाते हैं। तो ये होम टैब खुला हुआ है, इसमें जो इतना जो भाग दिया जा रहा है, जो आपका रिबन है, इस पूरे को रिबन कहते हैं। हेल्प का बटन है, हेल्प यानी ऐप बंद दबा के भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद ये हमारा स्लाइड का स्लाइड दिया है, ये हमारा लेआउट आउटलाइन है। देखो आउटलाइन में होता क्या है, मैं अभी बता दूंगा, जैसे मैं अभी बताऊँगा इसके बारे में, आउटलाइन क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। ये हमारा स्लाइड का ओवरव्यू है, यहाँ हमें स्लाइड दिखाई देता दी जाती हैं। यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं, कभी अगर ये क्लोज भी हो जाता है तो हम यहाँ इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों देखो आ गया है, इस तरीके से हम अभी जैसे स्लाइड में हम कुछ लिख के आपको बता देते हैं। जैसे हमने कुछ भी इसमें टाइप कर दिया है, अभी जैसे हम कुछ भी टाइप कर देंगे इसमें, जैसे हमने टाइप कर दिया है इसमें, और ये टाइप कर दिया था दोस्तों, अभी हमारा स्लाइड खुला है। अगर आउटलाइन पे क्लिक कर देते हैं, कभी हो जाता है तो पता लगता है इसकी मेन हेडिंग राइट है, और जो गरोठा लिखा है वो दूसरी हेडिंग, और इस तरह से हमारे सामने शो होता है। बल्कि जो स्लाइड्स होता है उसमें पूरा स्लाइड्स दिखाई देता है। अगर आप स्लाइड्स को यहाँ से थोड़ा बड़ा छोटा करना चाहें तो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं इस तरीके से, और छोटा करना चाहें छोटा भी कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हुए हैं दोस्तों, ये आप जान गए होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों ये होम टैब है, ग्रुप दिख रहा है, जी स्लाइड्स का ग्रुप है, जी फॉन्ट का ग्रुप है, और जी पैराग्राफ ग्रुप है, जी ड्राइंग का ग्रुप है, जी एडिटिंग का। इस तरह से हमारे जितने टैब हैं सबके ग्रुप्स होते हैं अच्छी तरह से इनको हम। ये हमारा स्लाइड्स हुआ है दोस्तों, आपको पता है जितनी स्लाइड्स हम बनाते हैं वो यहाँ दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर वही स्लाइड दिखाई देगी जो हम सिलेक्ट किए रहते हैं, जिसमें हम वर्क करते रहते हैं। जैसे अभी हमने दोस्तों इस पर कोई वर्क किया था, फॉन्ट साइज भाषा जो भी करना है, हम यहाँ इसको सेट कर लेते हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके बाद इसमें जो पावर पॉइंट में जो वर्क होता है वो केवल स्लाइड्स को अच्छा बनाना ही होता है। स्लाइड को आप जितना अच्छा बना लें, जितना आकर्षक बना लें, उतना ही आपके लिए बेस्ट होता है। अगर नहीं बना पाए तो आपके लिए वो आपकी मर्जी है। इसके बाद नोट्स है, लिखा है क्लिक ऐड टू नोट्स है। देखो ये नोट्स है होता है दोस्तों, स्टेटस बार होता है, इसमें स्लाइड वन ऑफ वन लिखा है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में स्लाइड्स एक ही है। अगर हम टू यहाँ क्लिक कर लेंगे, दूसरी स्लाइड ले लेंगे, तो टू ऑफ टू लिख किया गया, या हम वन पे रहेंगे तो वन ऑफ टू, यानी कि वन पे हम हैं, वन पे वर्क कर रहे हैं, टू खुली है। डिफॉल्ट थीम्स इस तरह से, एक तरह से यहाँ स्टेटस बार आपको दिखाई दे रहा है। इससे यानी कि हम सारा पता लगा सकते हैं कितना हमारे में क्या है। इस स्लाइड शॉर्टर भी है, छोटे छोटे रूप में आप देख सकते हैं इसको, आप स्लाइड शो करके देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, राइट क्लिक करके आप एंड शो कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की F5 भी है,
तो तुझे हम पूरी स्लाइड्स बना देंगे, तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं आसानी से। इसके बाद ये जूम जूम स्लाइडर है, जूम स्लाइडर से यहाँ पे इसको अपनी स्लाइड जो है, करंट स्लाइड जो यहाँ दिखाई दे रही है, इसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे तो हम अंदाजे इसको 60 करके रखेंगे, या इसको 50 या 60% करके ही रखेंगे, सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। या आपको नहीं पता बिल्कुल भी कितना करना है, तो आप इस बटन पे आप क्लिक करके ही कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसका प्रयोग हम ऊपर नीचे करके कर लेते हैं। हाँ, कभी जब हमारी स्लाइड्स काफ़ी बड़ी हो जाती है, जूम में साइज में काफ़ी बड़ी हो जाती है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है। कभी कभी दोस्तों ट्रिपल सी में क्वेश्चन आ सकता है कि पावर पॉइंट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कब दिखाई देता है, तो आपको बताना होगा कि जब हम जूम स्लाइड का जूम ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं तभी दिखाई देता है, नहीं तो ये नहीं दिखाई देता। देखो हम अपनी इसको 60 में करके रखें, अब देखो आपके सामने नहीं दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि इनका प्रयोग क्या होता है। अब इनका प्रयोग करने के बाद हम कुछ इनमें बेसिक पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आपको पहले से आते हैं, केवल रिवीजन कराना है हमें, तो और कुछ नहीं है। आपने पहले से ऑलरेडी कर लिया है ऑफिस वर्ड एक्सेल एक्सेल में। अब पावर पॉइंट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कैसे हम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इसके बाद अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, जैसे हम ऑफिस जनरेटर में क्लिक करते हैं, न्यू का प्रयोग होता है नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए। जैसे हम न्यू पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिख के आ रहा है इस पर, और यहाँ हम क्रिएट कर देते हैं, हमारे सामने ब्लैंक प्रेजेंटेशन सामने आ गया है। दोस्तों इसका प्रयोग हम कंट्रोल एन के द्वारा भी कर सकते हैं। ओपन का प्रयोग, जो फाइल हमने सेव की है उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। सेव का प्रयोग सेव करने के लिए होता है। सेव एज का प्रयोग हम कोई इसी फाइल को दूसरे नाम सेव कर सकते हैं। प्रिंट का प्रयोग, प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकालना है, प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और सेंड का मतलब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेज सकते हैं इसी फाइल को। क्लोज का प्रयोग, हमारी जो फाइल खुली हुई है इसको हम बंद कर सकते हैं। ये कुछ फाइल हैं जिन पर हमने कुछ ही देर पहले कार्य किया, हम चाहें तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। इसके साथ साथ एक क्विक एक्सिट टूल बार है, आप पहले से ही जानते हैं कि जो प्रोग्राम प्रयोग जो कमांड जिन कमांड्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो सभी कमांड्स यहाँ से भी यहाँ भी रहते हों, इसमें क्विक एक्सिट टूल बार में भी रहते हैं। अगर इनको हटाना है लाना है तो हम यहाँ से सही से लगा देते हैं तो आ जाते हैं, और हटा देते हैं तो हट जाते हैं इस लिस्ट से। इसके बाद ये मोर कमांड्स, अगर और भी कमांड्स लेना है तो हम इस पर क्लिक करके ला सकते हैं, और इस शो बिलो द रिबन यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारा जो क्विक एक्सिट टूल बार था वो रिबन के नीचे आ चुका है। और यहीं पर क्लिक करके हम शो अब द रिबन कर देंगे तो ये हमारा रिबन की जस्ट ऊपर ही पहुँच गया है। वैसे तो हमेशा ऊपर ही टॉप पर ही रहता है। इसके बाद मिनिमाइज द रिबन, मिनिमाइज द रिबन दोस्तों जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारा रिबन छिप गया है, वो यहीं पर हम क्लिक करके इसको ला सकते हैं दोबारा से। कभी कभी क्या होता है, हम डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं, जैसे हम होम टैब या इंसर्ट टैब पर डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से भी डबल क्लिक माउस से कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या अभी किया है। अब चलिए ले चलते हैं स्लाइड्स की ओर। स्लाइड्स में जैसे सबसे पहले ये कट कॉपी पेस्ट, आपको पता है कट का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है, कॉपी का कॉपी करने के लिए किया जाता है, बताना नहीं चाहूँगा। और पेस्ट का मतलब जो कट कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए इसमें कुछ ऑप्शन का हम थोड़ा जल्दी से प्रयोग करके बताएंगे आपको। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनका हम जरूरत के समय ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ऑफिस बटन का प्रयोग क्या होता है कैसे होता है, इन सभी का प्रयोग आपको हमें उम्मीद है कि पहले से आती होगी आता होगा, और कोई एक्सिट टूल बार का भी प्रयोग आता होगा। इसमें कंडू ऑप्शन दिया है तो ये अभी क्यों नहीं खुल रहा है इसको हम बता देते हैं। जैसे अभी हम कुछ लिखेंगे यहाँ, अंडू ऑप्शन खुल के आ गया है, अब इसको हम कर सकते हैं। अगर अंडू करना है तो हम कर भी सकते हैं, और अगर रेडू करना है तो रेडू कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे, इनको अच्छी तरह से समझ लेना है, एक बार ट्राई भी कर लेना है अपने कंप्यूटर को खोल के कि हमें आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट पर संपर्क करना होगा, या हमारे हमारे से कॉन्टेक्ट करना होगा आपको, तो हम आपको अच्छा तरीके से बता सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको पावर पॉइंट बहुत सारा चीज़ प्रयोग ना समझ में आए तो भी आप इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक रही बात कि पावर पॉइंट होता क्या है, तो ध्यान रखें कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो इंटरटेनमेंट के साथ यानी कि अपना मनोरंजन के साथ बहुत अच्छा तरीके से पावर पॉइंट का प्रयोग करके हम कोई भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी पिछली क्लासों में हम पहले फाइल बनाते थे प्रोजेक्ट की, तो उसी तरह से हम इसमें भी प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसे हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। हम इसे प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, या पावर पॉइंट की फाइल भी बोल सकते हैं, या प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं।
तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, तो ये 2007